हरियाणा में भाजपा की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित करके दिखाए हैं। पंचायती चुनाव व शहरी निकाय चुनाव में प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत कर दिखाया है। भाजपा का जनाधार शहर के साथ साथ गांव में भी है। नरवाना में भी नगर परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पद भाजपा की झोली में आने पर वित्त मंत्री ने खुशी जताते हुए दावा किया कि नरवाना के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नरवाना के विकास के लिए फंडों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नरवाना के हरियल रेस्ट हाउस में भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग की। इस अवसर पर उन्होंने नरवाना नगर परिषद के नवनियुक्त चेयरमैन सुरेश पप्पू व वाइस चेयरमैन कृष्ण मौर्य को बधाई दी और भाजपा की नीतियों पर चलकर नरवाना का बढ़ चढ़कर विकास कराने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी नरवाना व जींद जिले के पार्षदों व भाजपा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर पर नया संस्कारित राष्ट्रवाद से प्रेरित नेतृत्व जो है वह समाज में आगे आए और वह गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के संस्कार की बजाय उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित जो छात्र हैं वह नेतृत्व उभर करके सामने आएगा तो देश और समाज के हित में होगा। उसके लिए छात्रों के प्रतिनिधि का जो भी प्रक्रिया जो लिंगडो कमेटी ने सुझाव दिए हैं हरियाणा सरकार उसके ऊपर आगे बढ़ेगी। नरवाना से जार टीवी न्यूज के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।